दोस्तों, ओयो रूम्स बारे तुसी सुने होवेगा कि यह अनमैरिड कपिल वास्ते सेफ है या सेफ नहीं है, इस बारे पूरी डिटेल विच गल करांगे। उस तो पहला तुहाडे लई एक वीडियो क्लिप है, उसनों जरूर देख लो। जी हाँ दोस्तों, यह जी वीडियो है यह रियल ओयो होटल रूम्स की वीडियो है। दोस्तों वैसे तो ओयो रूम की जी पुलिस रेड वो नहीं पैंती, पर कुछ रीज़न करके जी कि रेड पै जाती है। रीज़न यही नहीं कि या तो कोई धंधा चल रहा होंगे, प्रोस्टिट्यूशन का वर्क चल रहा होंगे, या कोई टैररिस्ट रुकया होने की खबर उन्होंने मिलती है, या कोई होर इलीगल काम है जिहड़े कि वो उत्थे हो रहे हैं, तो करके पुलिस रेड पै जाती है। जी कपल की वीडियो आप देख रहे हैं, इस होटल में पुलिस को टिप मिली सी जिहड़े कि प्रोस्टिट्यूशन का वर्क चल रहा है, तो उस चक्कर भी इन्हां जिहड़ा ओयो रूम के कपल्स ने जिन्होंने बुकिंग करवाई सी ओयो रूम एप्लीकेशन थ्रू, उन्होंने भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। पर इन्हां दे पुलिस द्वारा कोई भी केस ना तो बनया, तो ना ही पुलिस ने बनाया, क्योंकि अनमैरिड कपल जो होटल में होंगे है तो उसते कोई केस नहीं बनता, कोई IPC धारा के अकॉर्डिंग कोई भी धारा नहीं लगती है। चलो पुलिस केस तो नहीं बनता दोस्तों, ये गल ठीक है, पर जेडे कि वीडियो वायरल हो जाती है, जां घर पता लग जाता है कि होटल रूम में फड़े गए हैं, तो बेइज्जती होती है समाज में, वह गल वक्री रहती है, इन्हां बेचारों को फेस करनी ही पैगी। दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 में यह लिखा हुआ है कि हर इंसान को अपनी आज़ादी का अधिकार है, तो अपनी जी प्राइवेसी है वो रख सकता है। पुलिस को भी पूरी जानकारी होती है इस चीज़ की कि यह कोई केस नहीं बनता, इसका ना कोई परचा बनता है, बस उन्होंने पता होता है कि हुण यह डरे हुए ने कपल, तो हुण यह पैसा देंगे तो साड़ी जेबां गर्म होंगे। दोस्तों कहने का भाव यह है कि भारत का कानून ही आपू आज़ादी दिता है सारे, भारत का हर नागरिक जोड़ा अपनी प्राइवेसी लाइफ में अपने तरीके आज़ादी जी सकता है। जे अनमैरिड कपिल किसी होटल में स्टे करता है या चैक इन करता है तो वह कोई क्राइम नहीं मनिया जाता। ओके दोस्तों, हम गल करते हैं, जे तुसी ओयो होटल विजिट करना चाहते हो तो इस तरह का कांड भी ना हो तो सुरक्षित होटल जिहड़ा सेफ होटल है वो किवें लभ सकते हो। सब तो पहले आप कुछ ध्यान रखने वाली गल्लां क्लीयर कर लेनी है कि जिहड़ा भी कपल है दोनों मेल और फीमेल 18 साल तो उपर होने चाहिए, तो उन्होंने जिहड़ा ओरिजिनल ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप ID प्रूफ अपना वह ओरिजिनल उन्होंने कोल होना चाहिए है। तो इस गल का भी ध्यान रखना चाहिए है कि जिहड़ा होटल है वह चंगे एरिए हो, रिहायशी एरिए हो, क्योंकि जोड़े रोड से या सुनसान एरिए होटल होंगे ने अक्सर जोड़े इलीगल काम ने इन होटलों में ही होंगे ने, पूरी होटल इंडस्ट्री का यह नाम खराब करते हैं। इस तो बाद जे तुम होटल ओयो ऐप थ्रू बुक कर रहे हो तो आपको होटल की रेटिंग चैक करनी चाहिए, तो रिव्यू पढ़ने चाहिए ने, जिसकी जानकारी मैं तुम्हें नैक्सट वीडियो में दे देंगे। तुम होटल किमें बुक करना है, की कुछ चैक करके तुम चंगा होटल लभ सकते हो, तो कि कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पवे। बाकी जे तुसी अपने एरिए कोई बढ़िया होटल लभना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं खुद तुम्हें परसनली जी उसका लिंक शेयर कर देंगे कि यह होटल सेफ है, तो इतने कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं होगी। तो होटल की रेटिंग है जी 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल होना चाहिए है। दोस्तों ये थोड़ा जहा कोस्टली हो जाता, ज़्यादा कोस्टली भी नहीं होता, महज 1500 या 2000 के बीच बुक हो जाता है, तो इसका अपन बेनीफिट भी ये होंगे कि अपन सेफ रहा है इन होटल में, तो होटल की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि मेरा जो कस्टमर है वो सेफ रहे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड दोस्तों तुम यह भी सुने होगा कि जी सस्ती चीज़ है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होंगी, ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होंगी, जी थोड़ी जी महंगी होंगी, आप तो ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं, वो ज़्यादा टाइम कट दी भी है, तो थोड़ी फायदेमंद भी रही है। तो ओयो थ्रू होटल बुक करने तो पहले इन गलों का ध्यान जरूर रखना चाहिए है, तो
400-500 रुपए ज़्यादा लग जान पर आपकी सेफ्टी अपने हाथ होंगी है, इस करके कोई डरन वाली गल नहीं होंगी। तो हूँ थोड़े मन में एक ख्याल आ रहा होगा, जो बाई चांस मेरे नाल इस तरह का कांड हो गया तो मैं की कर सकता, जे पुलिस रेड पै जाती है, जो तुम अनमैरिड कपिल हो तो होटल में हो तो पुलिस रेड पै जाती है, तो ओयो एप्लीकेशन थ्रू जो तुम रूम बुक किया तो उसके नीचे ओयो एप्लीकेशन जो आप जो पेज पर आप बुकिंग करते हैं उसके नीचे एक कैप्टन नंबर होंगे जोड़ा कि ओयो द एरिए का जोड़ा कि वो इंचार्ज होंगे, तो जो तुम उसको कॉल करके उस होटल में बुला सकते हो, तो जोड़ा कि पूरी आर्गूमेंट जी पुलिस ना वो अपने आप गल शेयर करेगा तो अपने आप समझाएगा उसको, उसकी प्रॉब्लम बन जाती है वो। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਰੱਖੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ।